वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम गुरप्रीत कौर, मैं माता गुजरी कॉलेज फतेहगढ़ साहिब BSc नॉन मेडिकल विद्यार्थन हाँ। मैं अज तुहानूं गुरु तेग बहादुर जी के जीवन बारे दसना चाहती हाँ। गुरु तेग बहादुर जी सिखा के नौवें गुरु सन। आप जी ने हिंदी के चादर के नाम तो भी जाना जाता है। आप जी का जन्म 1621 ईस्वी में श्री अमृतसर विखे पिता हरि गोबिंद सिंह जी और माता नानकी जी के कुखों होया। आप जी का विआह माता गुजरी जी के नाल होया। आप जी के घर पुत्र गोविंद राय ने जन्म लिया, जो कि अगे जा के गुरु गोविंद सिंह जी के नाम नाल जाने गए। आप जी का बचपन तो ही ध्यान प्रभु भगती वल सी, पर इसका मतलब यह नहीं सी कि आप जी नू विद्या शास्त्र का ज्ञान नहीं सी। आप जी नू विद्या शास्त्र का ज्ञान भाई जेठा सिंह जी द्वारा मिलिया। 1632 ईस्वी का विसाखी का दीवान करतारपुर विखे सजाया गया। इस दीवान विच काले खां ने पेंदे खां नाल मिल के करतारपुर विखे हमला कर दिता। हमला करन ते हरगोबिंद सिंह जी ने अपनी शाही फौज लिजा के धर्म युद्ध विच पहुँच गए। उदों ते गुरु तेग बहादुर जी सिर्फ 13 साल की उम्र के सन। गुरु तेग बहादुर जी ने भी अपनी बहादुरी दिखाउंदिया शस्त्र पहने अते ओह भी धर्म युद्ध विच पहुँच गए। उत्थे काले खां ते पेंदे खां की मौत होने मगरों शाही फौज नूं उसे पैरी वापस मुड़ना पिया जिस पासों ओह आई सी। हरि गोबिंद सिंह जी ने कीरतपुर वाले नूं चाले पा दिते। शाही फौज ने वापस पिछों आ के दोबारा फिर हमला कर दिता। गुरु तेग बहादुर जी तेग चलाउंदिया हरि गोबिंद सिंह जी ने देखदिया उन्हां दी बहादुरी देखदिया बहुत ही खुश होए अते उन्हां नूं बहादुर पुत्र दस्या गया। गुरु तेग बहादुर जी बहुत ही शांत सुभाव दे सन। गुरु तेग बहादुर जी एक दलेर अते बहादुर पुरख सी। इस युद्ध विच जदों शाही फौज नूं दोबारा मूँह हारदा देखना पिया तां उह दोबारा फिर उस पैरी दोबारा जिधरों आई सी उस पासे दोबारा मुड़ गई। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह।